श्री गुजराती रामी माली समाज नौगांव थार द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही फाग उत्सव की परंपरा को आज भी नियमित रूप से निभाया जा रहा है। आज भी डपली की थाप, झांझ और मंजीरों की खनक के साथ समाज के बुजुर्ग, युवा और नन्हे बच्चे फाग उत्सव के दौरान राम अवतारी, कृष्ण अवतारी, भगवान शंकर से जुड़ी फाग, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित फाग गीत, भगवान हनुमान प्रसंग पर फाग गीत गाए जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में पॉप संगीत और डीजे का बोलबाला है, बावजूद इसके श्री गुजराती रामी माली समाज नौगांव द्वारा आज भी समाज के नव युवकों को फाग उत्सव के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का काम लगातार जारी है। फाग गीतों के साथ ही पुराने वाद्य यंत्र जैसे डफली, झांझ, मंजीरे बजाने में भी नव युवकों और बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। समाज के वरिष्ठ सदस्य भगवान जी डोडिया, श्री रामी माली गुजराती समाज के अध्यक्ष मुकेश मकवाना, फाग उत्सव समिति सदस्य राजेश हरोड़, पंच लोकेश टाकोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीच में युवा पीढ़ी का रुझान कुछ कम लगने लगा था, लेकिन समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने इसका बीड़ा उठाया और धीरे धीरे युवाओं की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। समाज के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से ही आज फाग उत्सव के सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा जीवित है। वहीं बड़ी संख्या में नए बच्चों का भी रुझान फाग गीतों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। मैंने जब से होश संभाला है, जब से परंपरा जो चली आ रही है उसके साथ में जुड़ गया हूँ और इसके साथ में आज तक मैं 78 साल का हो गया हूँ, आज तक चला आ रहा है मेरा प्रोग्राम और सब भजन भाव और तंदूरे के भजन भी बोलने का काम है। किस तरह के फाग गीत गाए जाते हैं? हमने राम अवतारी गाते हैं, कृष्ण अवतारी गाते हैं, वो भोलेनाथ के भजन गाते हैं, रामदेव बाबा के भजन गाते हैं, सब भजन गाते हैं। ये परंपरा पिछले कम से कम 5-7 दशक से चली आ रही है, 3-4 पीढ़ीज परंपरा को निभाते निभाते खप गई है। जैसे मेरे पिताजी पूर्व में डप का वादन करते थे, उनके साथ साथ हम लोग भी सीखे हैं, हमारे वरिष्ठ सब यहाँ बैठे हुए हैं, इनने कई वर्षों से इस फाग को जीवित रखा है और आज हम इस फाग में हम जैसे लोग भी जुड़े और नए युवा भी जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में इस जो ये जो डीजे का ज़माना है उस ज़माने में हम इसे नया रूप देने के लिए प्रयासरत हैं और आगे ये सतत चलता रहे इसके लिए हमने माली समाज में एक फाग उत्सव समिति के माध्यम से एक बुक भी निकाली है जिसका विमोचन कल होने वाला है, ताकि ये इसके सारे भजन जो राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, भोलेनाथ के भजन है और जो बिल्कुल मिलजुल के रशिया भजन है, इसमें सारे मिलजुल के जो भजन हमने लिखे हैं वो हमेशा जीवित रहे, इसके लिए हमारा सतत प्रयास है जो हम कल इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। श्री गुजराती रामी माली धार पंच ये फाग उत्सव वर्षों से बनाती आ रही है, इसे बनाने के लिए हमारे वरिष्ठ जन जो भी वरिष्ठ बुजुर्ग इसे सतत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और काफ़ी उनके प्रयास के बाद आज नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी बचपन से लेकर आज तक इन सब चीज़ों को समझते आ रहे हैं और रुचि लेते आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भजन होते हैं उनमें आज के बच्चे उस चीज़ को लय नहीं पकड़ पा रहे थे, उस कारण से कुछ बच्चों की पीढ़ियाँ इस चीज़ में सीखने में कमज़ोर हो रही थी, लेकिन चूँकि अभी कुछ नए लड़कों ने मिलकर इन सब भजनों को लिखित में अभी और पुनः वापस नए बच्चे जुड़ रहे हैं और ये पुरानी सदियों पुरानी जो परंपरा है इसको श्री गुजराती रामी माली समाज पंच के द्वारा नए बच्चों को सिखाने का कार्य और नई इस परंपरा को आगे युवाओं तक पहुंचाते रहने का कार्य ये माली समाज पंच धार करती आ रही है और करती रहेगी। देखो ये एक परंपरागत फाग गीत है, आज युग बदला है, समय बदला है, तरह तरह के वाद्य यंत्र और गायक की सामग्री बदली है, लेकिन हमारे समाज के श्री गुजराती रामी माली समाज में ये परंपरा बरसों से जीवित है। आज भी इसमें युवा लोग जुड़ते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ढपली की ताल और चाठी जिसको कहते हैं, ये एक लकड़ी आती है, इस माध्यम से
मोर पंख जिसको चाठी में बोलते हम, उस माध्यम से इसको बजाया जाता है और सब युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग का मिला जुला यह त्यौहार रहता है। परंपरागत अनुसार इसमें रंगों का महफिल सजती है। घर घर जाने यदि कोई व्यक्ति बुलाता है साथी समाज बंधु तो उसके घर घर जाते भी हैं, मिठाई का भी वितरण किया जाता है और बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे फागोत्सव समिति के भैया भगवान भैया और राजेश भैया इन सब को मेंटेन करने में लगे हुए हैं कि इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। कुछ समय ऐसा लगा था तो इस वक्त आज के तारीख में इसे पुनः जीवित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि समाज के इस परंपरा को टूटने न दिया और इनके आशीर्वाद से ये समाज इसी रूप से उन्नति प्रतिदिन प्रगति के रूप में रहेगा। और मैं अपने समाजवासियों को देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना के आधार पर ये त्यौहार बने, रंगों की महफिल जैसी रहे, रंग जैसा रहे वैसा रंग हमारे बीच में रहे, यही मैं चाहता हूँ। जय श्री राम, जय। हाँ, नई पीढ़ी का रुझान अब धीरे धीरे इधर बढ़ता जा रहा है। कुछ हमने इसके लिए जो फाग गीत है उसको लिपिबद्ध भी किया है, एक पत्रिका भी इसके लिए छपी हुई है, तो अब शायद उससे और कुछ जागृति आएगी ऐसा मुझे विश्वास है।